अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रात में मेट्रो क्लासिक में जो वाकया पेश आया था उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जो इल्ज़ामात लगे हैं हमारे खिलाफ वो सब बेबुनियाद है और वो गलत है। जो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी आप सुनिए। वहाँ पर हुआ यूँ, आपका नाम? जी मेरा नाम है शकीला खाजी। जी, हुआ यूँ कि वहाँ पर उन्हों जो बंदा है वो इमरान हमारी बेटी के साथ में धक्का मुक्की एंड टच कर रहा था उन्हें, और उनको सता रहा था, लेने नहीं दे रहा था, और अरी तुरी बोल रहा था उन्हें, वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। तो वहाँ पर के जो पार्टी वाले थे, दुल्हन थे और वहाँ के जो ओनर थे, वो सारे लोग वहाँ के गवाह है। देखिए, आपको चाहे तो हम प्रूफ वगैरह सब दिला सकते। रहा मारने का सवाल, उसको कोई नहीं मारे। हमारे हस्बैंड या हमारे बेटे जो है उसको एक पचकड़ या बस मारे होंगे, उसकी वजह से उन्होंने क्या करा, एक झा का कुंडा रहता उठाने के लिए गया हमारे हस्बैंड को मारने के लिए, तो उसको ठोकर लगी। वहाँ पर ठोकर लगी तो उन्हें खुद गिर गया, गिरने से उसको मार लगा, इतना ही दर्शित। उसको कोई नहीं मारे, अल्लाह की तरफ से उसको मार पड़ी। देखिए, उसके बाद हम लोग खूब खामोश बैठ गए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और ये लोग जो है फोटो वीडियोग्राफर्स हमारी तरक्की से, हमारी कामयाबी से जल रहे हैं और मेरे खिलाफ सब बेकार बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, जो कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई है। मेरा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ में काम कर रहा है। मेरे स्टाफ से आप पूछ सकते हैं कि मैं कितनी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। चलिए, जज़ाकअल्लाह। जो कल रात में इंसिडेंट हुआ मेट्रो क्लासिक में, यूजुअली दुल्हन की एंट्री हुई तो सब लोग ले रहे थे। जब दुल्हन डोली में उतरने के बाद में जब बोली कि आई टेक वन फोटो, में तो एक फोटो लेना है, मैं पीछे पलट के सब ऐसा हटाई सबको कि सब पीछे हटी, एक फोटो लेना है, क्योंकि बहुत देर से मेरे को कोई लेने नहीं दे रहा था। तो बस उनके गिम्बल पे मैं हाथ रख के बोली कि ऐसा हटिए, मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं था। जब मैं ऐसा हटने के लिए बोली तो उन्हें मेरे को इतनी जोर से लाइक यहाँ पे टच करके, इतनी जोर से टच करके धकला, धकलते कि मैं मतलब ऐसा इनबैलेंस हो गई। करने के बाद में मैं एक मेरा मैं ब्लैंक हो गई कि उन्हें ऐसा करा क्यों। करने के बाद में यही, तू मेरा कैमरा नहीं टच करना, क्या समझ के कैमरा टच करी, उन्हें मेरे को ऐसा बोला, क्यों बोलता भाई अरी तुरी, और उन्हें मेरे को टच भी कैसा करता, हालांकि मैं कैमरा पे उसके टच करी। करने के बाद में जब उन्हें मेरे को अरी तुरी बोल के ऐसा करा, तो मैं उसको ऐसा ऐसा एक मारी, क्योंकि उन्हें मेरे को टच करा और मेरे को ढकला। ढकलने के बाद में मैं मारने के बाद उन्हें मेरे को फिर से दौड़ से ढकला। ढकलने के बाद में जब पूरे लोग आके देख उसको रोक लिए, मेरे को रोक लिए, तो मैं ब्लैंक हो गई। मैं छोड़ दी कि क्या हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी में थे लोग कि जल्दी जल्दी एंट्री लेना है, एंट्री के लिए चले गए। उसके बाद में एंट्री के लिए जाने के बाद में फिर बाद में आई वॉज क्राइंग, क्योंकि ये हुआ क्या, मतलब ये बहुत पहली बार है। मैं बहुत सालों से फोटोग्राफी करती हूँ और मैं कैंडिड फोटोग्राफर हूँ, मतलब मेरा मैं ऐसा कभी हुआ नहीं। और उन्हें ऐसा करने की वजह से, इवन आई एम डूइंग मास्टर्स, और उन्हें ऐसा करने की वजह से मेरे को समझ में नहीं आया। जब डैडी देखे वहाँ पे, मेरे को मम्मी और डैडी के, मम्मी और भाई के कॉल्स आ रहे थे। हाँ, क्योंकि उन्हें मेरे को ढकला, उन्हें मेरे को टच करा, वो भी कहाँ टच, इधर टच करा, वो भी ढकला जोर से, हाउ कैन ही टच, वो भी और अरी तोरी बोल रहा, क्या समझ के तू मेरा कैमरा छीरी। मैं उसको कुछ भी नहीं बोली थी, तो मैं बोली कि बात सीधी कर बोल के, जब मैं एक ऐसा उल्टे हाथ से मारी, मैं ऐसा पचकड़ भी नहीं मारी उसको, लाइट वो भी बहुत लाइट उठता भी नहीं, तो मेरे को फिर से जोर से उन्हें ढकला, इतना हुआ। उसके बाद में पूरा इवेंट में पूरा मेरे को बस यूं घूर घूर के देखना पूरे इवेंट में। ये हाथ का क्या टाइम था? दुल्हन की एंट्री हुई थी 11 o'clock आई गेस, 11:30, 11:30। जब मम्मी डैडी जब आए, हालांकि वो इवेंट में मैं अकेली थी, मम्मी भी नहीं थे वहाँ पे, जब मम्मी लोग आके बोले आओ इधर आओ बात करेंगे, क्या हुआ तुम कहीं को ऐसा करे बच्ची को, तो बोला ए चलो चलो जाओ तुम्हारी बच्ची से पूछ लो, जाओ तुम्हारी बच्ची से कर लो। तो एक भी नहीं थे वहाँ पे ना, ऑलरेडी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, यू गाइस कैन चेक, पूरे फोटोग्राफर से हमारे साइड से कोई भी नहीं थे, सिर्फ मम्मी डैडी मेरा भाई और मेरे कजन और कोई भी नहीं थे वहाँ पे एक्स्ट्रा, एक ही और कोई भी नहीं थे, वो भी उन्होंने मेरे को कुछ डिवाइस देने के लिए आए थे, दैट्स इट। तो उन्होंने इत्तेफाक से वहाँ पे हम लोग किसी को नहीं बुलाया ना, कोई थे अननेसेसरी झूठ झूठ सब झूठ बोल रहे हैं। और ये पुलिस वालों के से गुजारिश है और अकबर अवेसी साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा हमारे को आप कोऑपरेट करिए। एक लेडीज़ है जो हिजाब में रह के कुछ करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, तो ये जेंट्स नहीं देख सक रहे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह रसूल को जानते हुए हम लोग
तरक्की कर रहे हैं तो हमारी तरक्की से जल रहे हैं। देखिए ये दौर में बहुत ही शर्म की बात है। देखिए प्लीज हमारे लिए आप थोड़ा सा कॉपरेट करिए प्लीज। पूरे गैंग अप इसीलिए करे हमारे अगेंस्ट क्योंकि उन लोग ये बोलते हैं कि अगर इवेंट कर रहे तो हमारे थ्रू करना, तो उन लोग डायरेक्ट बात नहीं करना, लेकिन हम लोग वाहिद है जो हम लोग डायरेक्ट बात करते क्योंकि क्लाइंट को हमारा काम पसंद आता है। ये रीजन उन लोग पूरे अगेंस्ट हुए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर से हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन करा के इसका फेयर निकालिए क्योंकि लाइक ऑलरेडी आई एम सफरिंग कि उन्हें मेरे को टच करा, उन्हें ऐसा करा। और मैं ना ये मैं मानती हूँ क्योंकि ना हो ना बोल के मेरे को होल्ड करा।